सो गाइस ये है सामने जयपुर और हमने कर लिया यहाँ पे बॉनफायर, और ये है पीछे पूरा जंगल जो कि अंधेरा कुछ नहीं देखेगा। और यहाँ फैमिली के एक और मेंबर आए हैं, देवेश सिंह फैमिली, जो हमारा चैनल है। गाइस जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने जयपुर के अंदर रात में किया था बॉनफायर, और उसके बाद हम अपने फैमिली के कुछ मेंबर्स से मिलने चले गए। वो लोग हमसे रात में मिलने के लिए आए थे तो उनसे मिलना ज़रूरी था, और उसके बाद हम गए होटल। और आज का प्लान ये है कि आज हम जाने वाले हैं भानगढ़। सो भानगढ़ जाएंगे और देखते हैं कि कितने भूत हमको वहाँ पर आज मिलने वाले हैं। तो चलो फिर चलते हैं। सो गाइस अभी हमारा चेकआउट हो चुका है होटल से, और पर हमारी गाड़ी अभी यहीं खड़ी है शिमला होटल के बाहर ही। और यहाँ पे श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, इसके सामने ही है। तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं गाड़ी को यहीं खड़ी करके, और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे अपना भानगढ़ के लिए। तो पहले चलो मंदिर चलते हैं, फिर उसके बाद भूत देखने चलेंगे। ठीक है चलो फिर। और मैं अपना गोप्रो लेके जाऊंगा, क्योंकि यार मंदिर वगैरह में ऑलरेडी शूट करने देते नहीं है वो। ठीक है तो गोप्रो फिर भी सही रहता, हैंडी रहता, अगर कुछ छोटा मोटा होगा जो शूट करने लायक होगा तो मैं गोप्रो से कर लूँगा। ठीक है चलो चलते हैं। यह मंदिर बंद हो गया, 11:30 बजे बंद हो जाता है, शाम को 5:30 बजे खुलेगा। तो मंदिर तो रह गया, उस दिन भी हम आए थे यहाँ पे। ठीक है पर हमें ध्यान नहीं था कि इतना फेमस है मंदिर, बाद में पता चला। तो अभी हम चल रहे हैं वापस, चले चलो चलना ही पड़ेगा। शाम को आना 5 बजे, शाम को 5 बजे, सुबह 7 बजे से 11 बजे रहता है, 7:30 से 11। अच्छा 11:30 बस, रात को 5 बजे से 5:30 से कितने तक रहता है? 7 बजे बताया था। तो अभी जो भैया मिले थे ना, ये हमें उस दिन भी यही मिले थे रिक्शे में, जिस उन्होंने घुमाया था हमको। ठीक है तो उस दिन भी हमसे ये बोला गया था कि यहाँ पे राजस्थान की एक सेल लगती है, उसी दिन लगती है। ठीक है एक ही दिन हफ्ते में लगती है, और मैंने कौन सा दिन है, बोले कि आज का दिन ही, मैंने कहा अच्छा उस दिन मकर संक्रांति, इसलिए सेल लग रही है पूरे साल में एक बार। और अभी वो भैया मुझे, हम कपड़े चेंज हो गए फिर यहाँ से, टूरिस्ट आते हैं पहचान ही नहीं पाए। ठीक है हमने तो पहचान लिया उन्हें, तो दोबारा करे कि यहाँ घूम रही सब कुछ, कि हाँ तो वहाँ सेल लगती है वहाँ जाओ। मैं क्या है वहाँ पर आज के दिन लगती है, बस एक ही दिन लगती है फ्राइडे वाले दिन। तो यहाँ पर टूरिस्ट को इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है, ध्यान रखना कि जो सेल लगती है वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और वो बंदा कह रहा था वहाँ पर कि वो साल में एक ही बार सेल लगती है, और वो आज का दिन ही है, संक्रांत के दिन। संक्रांत के दिन अभी हम दोबारा जाएंगे ना, तो दोबारा दिन हो गया है यहाँ पर, रोज कुछ ना कोई फेस्टिवल, हाँ रोज यहाँ सेल आ जाता है। तो ये सेल वेल का जो झंझट है ना, इसके ऊपर मत ट्रस्ट करना, अपना आराम से देखना मार्केट में, बार्गेन करना जब लेना। ये सब ई कॉमर्स की सेल है, ये सब ऐसी सेल तो नाम लगा रखा है, सेल वेल कुछ नहीं है। चलो मंदिर तो जा नहीं सकते अभी, फिर चलते हैं भानगढ़। और नहीं कर सकते मंदिर में पूजा तो कर लेते हैं, पेट पूजा, अब पेट पूजा कर लेते हैं, कचौड़ी खा लेते हैं। अब रावत की कचौड़ी तो हमने कल रात को वो खा ली थी मीठी वाली, तभी हमारे होटल के सामने भी एक पंडित जी करके हैं कोई शर्मा जी, तो मैंने कहा उसको ट्राई कर लेते हैं और फिर चलते हैं भानगढ़ की तरफ। चलो
तो भैया अभी हम रुके हैं भानगढ़ से 12 किलोमीटर पहले और यहाँ पे हम जो है ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं क्योंकि हमें मैप में दिखाई दिया था गूगल मैप में कि साइड में यहाँ पे एक तालाब जैसा कुछ है, तो उनके देखते हैं कुछ अच्छा शॉट आ जाए तो। बाकी जगह पूरी खाली खाली है, बड़ी बढ़िया है। और चलो चलते हैं, अब गाड़ी में चलते चलते कुछ शॉट ले लेते हैं। चले भाई, चलना चाहिए। चलो ओ भैया, ओ सेल्फी किंग क्वीन। So whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She bust it open for a real nigga. Stay tommied up, trying to build it up. Trying to count it up, hell figures. Don't be chilling with no little niggas. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's the meal ticket. ISO gang, yeah, they still with us. I put it in motion, they got me steady. Thoughts on my mind, it's weighing heavy. Watch how I shine, tell them I'm ready. I'm hitting my stride, let's get to the Fetty. I was just sitting back watching them go. Racks on me now, yeah, it's looking slow. I hold it down and I got my own. Keeping it grown, we back to the bone. Yeah, flying flashy, ay, ay. We too fancy, ay, ay. Can't walk past me, ay, ay. Right up your alley, wait, wait. I gotta play it safe, safe. Watch me isolate, lay. Watch me isolate, ay. Watch me isolate, whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. तो वैसे अभी पहुंच चुके हैं हम भानगढ़ फोर्ट। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है पीछे और अभी हम जा रहे हैं अंदर। और इसमें ये ऐसा लग रहा है कि पानी के साथ चकना लेके जा रहे हैं, पर ये चकना नहीं है, इसमें ड्रोन लेके जा रहे हैं हम अपना, क्योंकि हम ड्रोन का एक्स्ट्रा बैग लाना भूल गए। तो ये ड्रोन है, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं, वहाँ देखेंगे ड्रोन वोन उड़ाएंगे, वहीं चलते हैं देखते हैं क्या। चलो भाई, भूत 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 ढूंढेंगे आ जाए। भूत की खोज, भूत की खोज भाई। वहाँ तो मैं मिली नहीं, ना जयगढ़ में मिली, यहाँ मिले ना मेर फोर्ट में मिली, ना उसमें मिली, ना हरगढ़ में। यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा भूत था। मंगू भूत आ जाएगा वहां पे, रिकॉर्ड हो रहा है। इधर को आप आ, हां पहले
बीच में आएगा, हाँ फिर चुप गया, फिर इधर आ गया, ठीक है आवाज जब आएगी ना जाएगी कुछ भी आवाज। जब हम थ्री बोलेंगे ना तो मैं यार ये तो ऊपर पाएंगे, तू इस वाली बीम से ऐसे करता भाई तेरे को चला जाएगा, फिर हम जब उधर बार को जाएंगे तो ऐसे करता भाई ये से गिर और टैंक से हंसी हो ठीक है आवाज को समझिए और आवाज निकाल दीजिए अपनी जोर से उसको रिकॉर्ड हो थ्री थ्री पर आवाज को निकालेंगे अब आदिवासी थोड़ी भूत है ठीक है हम तो निकालेंगे तू तू पर तेज निकालता हो जाएगा ऐसे निकालेगा अब बारा बारा एक बार बारा चल करे स्टार्ट ऐसे करियो ऐसे क्या बाहर हुआ ऐसे ऐसे जब इधर गए नहीं ऐसे ऐसे ठीक है जब हम करेंगे ना ऐसे उस टाइम पर निकलते हो पूरे जाएगा हम धीरे करेंगे ऐसे इधर फिर नहीं निकल जाएगा चलो 1 2 3 पे स्टार्ट करेंगे चलो 1 2 3 गो अच्छा अब हमारे गलत हो गए तुम्हारा दोबारा बनवा रखा था लोग सोच रहे हैं आवाज कहाँ से आ रही है गुमनाम है कोई गाना चला रखा है गुमनाम है कोई लोग कह रहे हैं बीच में माहौल बना रखा भाई माहौल तो भैया ये है पूरा भानगढ़ ये पीछे टेंपल है आई थिंक ये वही टेंपल है जो यहाँ की स्टोरी है लोगों को पता ही है गूगल कर लो यार 2-3 स्टोरियाँ हैं पर एक वही है क्या कहते हैं कोई तांत्रिक वांत्रिक होता है वो वाली जो है तो ये मंदिर है पीछे आई थिंक वो किला है ऊपर और यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें कि क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आएगा ठीक है तो बस अभी एंट्री कर रहे थे एंट्री के टाइम पे यहाँ के कुछ लोकल थे वो कह रहे रात में आओ रात में असली मज़ा आएगा 6 बजे के बाद मैंने कहा एंट्री कौन देगा जगह छुप जाओ कहीं पे भी यहाँ पे मैंने कहा अच्छा है ना फिर कह रहा कि कोई जिंदा नहीं जा पाया यहाँ से मैंने कहा यूट्यूब पर वीडियो पढ़ी है बहुत लोग गए रात में कोई दिक्कत नहीं है चलो घूमते हैं फिर उसके बाद हमें तो मेरठ भी पहुँचना आज ये जगह दिन में बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही मतलब कि और ज़्यादा सुंदर लग रही है मतलब ऐसे है कि पिकनिक स्पॉट जैसा इधर एक मंदिर है पीछे यहाँ पे और वहाँ कहीं ऊपर वो महल तो मुझे समझ नहीं कि इतनी डरावनी मतलब पता ही क्या था हाँ मंदिर के ऊपर जूता से चढ़ रहे हैं वो थोड़ा गलत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है कोई कुछ भी कर रहा है ठीक है पर ऊपर चलो अभी जो मेन जो किला है उसको देख के आते हैं अभी तक तो मेरे को बोलते हैं कि नेगेटिव वाइब्स आती हैं या पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है को एक भी जगह कहीं भी नेगेटिव वाइब्स आई पर लोगों में से ही आती है नेगेटिव वाइब्स यहाँ नहीं आई ना बिल्कुल मंदिर बंद हो लेकिन फिर भी अरे मंदिर नहीं पूरी जगह ही बहुत सही लग रही है मंदिर बहुत सारे हैं हाँ अब ऊपर और देखते हैं चलो क्या है वहाँ तो भैया फोर्ट के अंदर एंट्री हो गई है अब देखते हैं क्या है किस तरीके का ठीक है ये पत्थर है ये पड़े थे ऊपर से कोई पत्थर है ये बदबू आ रही ना टट्टी की हाँ तो बस वही है यहाँ पे चमकादड़ वगैरह का उतर रहते हैं ना मेरे फोन की लाइट जला ली जो आगे आगे चल रहा चमकादड़ है अगर तुझे ही बोल रहा हूँ साले एक हाथ में थैला मेरे एक हाथ में कम पी ले पकड़ हाँ अबे 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 हाँ ये कबूतर डरा रहे हैं बस और कुछ नहीं लोगों को वाह भाई ये मंदिर है मैं कितने तो मंदिर है इसमें जय जिंद बाबा जय जिंद बाबा हर जगह तो मंदिर है अच्छा ये मंदिर ही है नहीं नहीं ये यहाँ पे वो जलाया मुझसे काले हो गए अगरबत्तियाँ जला जला बॉन फायर कर ये पूरा यहाँ पे भी नीरज
लोगों ने क्या क्या लेकर रखा है फालतू का? बेवकूफ लोग है ना। चलो और अंदर घूमते हैं। अबे एक ही बात है, इधर तो कुछ है ही नहीं। अब वहाँ का जा भी रहा है, मुझे लगता नहीं जा रहा है। जा रहा है, लाइट तो जला, मैं तो संदलियाँ पड़ी हैं। बंद है, बंद है। वो मेन गेट वही है, ये इधर मंदिर साइड में। चलो और गिर जाएगा तो हाँ और क्या। ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग। और पता है दारू पी के उल्टे सुधे वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे एक दूसरे के कहीं गिर आ गए, इसे लग गई। भूत ने धक्का मार दिया है। सही कह रहा, ये सब कमरे हैं सब। ये वो है इसकी मेन एंट्री उधर से। ये है किला, तो एक ही शाम तक खाएगी मुझे लग रहा है। पूरा स्वाद बन गया होगा आज इसका, जाएगा बढ़िया चटपटा मूंगफली आया स्वाद। देखो आगे इधर से भाई किटकैट ब्रेक बना रही है आज। मंगू अगर यहाँ से गिर जाए तो कोई भी बोल देगा भूत ने धक्का मार दिया। और उस भूत का नाम डी से भी शुरू होता है। उस भूत का नाम डी से ही होगा, दो दो डी वाले भूत हैं। ये सीआईडी वाले भी नहीं सुलझा पाएंगे कि कौन से डी ने मारा था। तो ये भानगढ़ के सबसे टॉप वाले फ्लोर पे आ गए, चौथा फ्लोर, चार मंजिल का ही बचा अभी। पहले बताते हैं, वहाँ नीचे लिखा हुआ था कि सात मंजिल का हुआ करता था, पर अब ये टूट के चार मंजिल रह गया। इससे ऊपर कुछ नहीं, ऊपर तो पहाड़ी है। फिर तो अभी ड्रोन उड़ाते हैं यहाँ से, और मुझे तो बड़ा सही लग रहा है। ये किला तो थोड़ा सा चलो लग भी रहा, अंदर कहीं थोड़ा अंधेरा भी है, पर नीचे तो पूरा मस्त वाला मैदान, बढ़िया क्रिकेट खेलने वाला, मज़ेदार आना चाहिए। और हर आदमी हर एक घर में जाएगा तो उसे कम से कम चार पाँच घंटे चाहिए यहाँ घूमने के लिए। अरे यहाँ तो चढ़ते चढ़ते भूख भी लगने लगी। गिलहरियों को खिला रहा है, नमकीन खुद भी खा रहा है, क्या करें। पानी बचाए क्या यार, पानी पी लें। निकल जाओ भैया, निकल जाओ। सो वैसे वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे मेरठ के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? तो अभी के लिए इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और आप बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना भाई यार, बहुत मेहनत लगी है। अभी यहाँ से मेरठ के लिए निकलना है, गुड़गांव भी जाना, पहले मम्मू को छोड़ना है, फिर उसके बाद गुड़गांव के बाद काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत एक कांड हुआ जो कि आपको अगली वीडियो में बताएंगे, वो थोड़ा खतरनाक कांड था। सो जो अगली वीडियो होगी उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलो अभी के लिए बाय।
बाबा अच्छा चलो।